सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दशरथ अगरिया एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में हम आपको अगरिया जनजाति के कुछ प्रमुख औजारों के बारे में बताएंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि अगरिया आदिवासी प्राचीन काल से ही अपने हस्तकला में निपुण है, हस्तकला का धनी है। साथियों, चाहे लौह प्रगलन का क्षेत्र हो या फिर लोहे के दैनिक उपयोग की सामग्री बनाने में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम अच्छे अच्छे सामाजिक जानकारियां, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियां एवं अन्य मोटिवेशन जानकारियां आप लोग के लिए लाते रहते हैं। साथियों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और कोई सुझाव या कोई विचार आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दर्शाइएगा। तो सम्मानित साथियों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अगरिया जनजाति के औजार के बारे में, तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगरिया जनजाति प्राचीन काल से ही चाहे लौह प्रगलन का क्षेत्र हो या फिर लोहे के सामग्री बनाना, दैनिक उपयोग की सामग्री बनाना, यानी कि अपने हस्तकला में निपुण हैं। तो साथियों, चलिए हम बारी बारी से अगरिया जनजाति के कुछ प्रमुख औजार के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगरिया जनजाति द्वारा निर्मित सामग्रियों में, चाहे वो सामग्रियां जो इनके द्वारा निर्माण किया जाता है, इनमें किसी भी प्रकार का मशीनरी का यूज नहीं किया जाता है। इनके द्वारा जो निर्मित सामग्री होती है वो हस्त निर्मित ही होती है। ये साथियों, चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। साथियों, पहला जो इनका प्रमुख औजार होता है वो होता है सनसी। आप देख सकते हैं साथियों अपनी स्क्रीन में इसका काम क्या है, देख लेते हैं। साथियों, लोहा को पकड़ा जाता है। अगरिया जनजाति जब किसी भी लोहे पर काम करता है, लोहे का कोई औजार बनाता है, तो उसको क्या करता है, पहले वो लोहे को गर्म करता है। तो क्या है कि लोहे को गर्म करने के बाद ही उसको किसी भी आकार में ढाला जाता है। तो अगरिया जनजाति पहले लोहे को गर्म करता है, तो लोहे को पकड़ने के लिए सनसी का प्रयोग किया जाता है। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपके सामने तीन प्रकार की सनसी दिखा रहा हूँ। एक जो पहला ये वाली जो सनसी है, ये एक सामान्य सनसी है, सामान्य लोहे को पकड़ने के लिए। अब ये दो सनसी जो आप इधर देख रहे हैं, ये इसको लंगड़ी सनसी भी कहा जाता है। इसका ऊपर का जो सिरा है ये मुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये जो तीनों प्रकार की सनसियाँ हैं, ये क्या है कि लोहे को पकड़कर पीटने के लिए, आकार देने के लिए ये सनसी का प्रयोग करते हैं अगर ये जनजाति। तो इनका पहला जो प्रमुख औजार है वो होता है सनसी। ठीक है साथियों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो आता है साथियों प्रमुख औजार में, वो आता है हथौड़ा। अगरिया जनजाति का प्रमुख औजार हथौड़ा है। हथौड़ा आप सभी जानते ही हैं। हथौड़ा का काम क्या है कि लोहे को आकार देने के लिए पीटा जाता है। साथियों, सनसी से पकड़कर लोहे को गर्म करके और हथौड़े से पीटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है। जिस प्रकार की जैसी भी जो भी सामग्री बनाना होता है तो हथौड़े से पीट कर बनाया जाता है। तो इनका जो दूसरा प्रमुख औजार है वो होता है हथौड़ा। तीसरा जो प्रमुख औजार है इनका होता है घन, जिसे घान भी कहा जाता है। साथियों, इसका उपयोग अधिकतर मतलब ऐसे लोहे को पीटने में किया जाता है जो हथौड़े से जिनको नहीं पीटा जा सकता है, या हथौड़े से आकृति जिन लोहे को नहीं दिया जा सकता है, यानी कि जिन लोहे पर हथौड़े से काम नहीं चलता है, तो उस पर घन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा साथियों कि अगरिया जनजाति एक हाथ से सनसी के साथ लोहे को पकड़ कर रखते हैं और एक हाथ से घन चलाते हैं। और ये घन का वजन लगभग 10 से 15 से 20 पाउंड तक का घन होता है। तो अगरिया जनजातियों में ये विशेष प्रकार की जो ये नेचुरल देन होता है कि एक हाथ से लोहे को पकड़ते हैं सनसी के द्वारा और एक हाथ से घन का इस्तेमाल करते हैं और लोहे को आकृति देते हैं। तो साथियों, ये जो अगला प्रमुख जो इनका औजार होता है अगरिया जनजाति का, वो होता है घन। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छेनी, साथियों छेनी आप सभी जानते हैं, आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर
छेनी का उपयोग क्यों किया जाता है? छेनी को का जो उपयोग होता है वो लोहे को काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। साथियों, जैसे कि आप देखते होंगे, जब कोई काम करते हैं अगली जनजाति या कोई किसी लोहे को काटना हुआ तो क्या करते हैं, छेनी का प्रयोग करते हैं। लंबी सनसी या सामान्य सनसी से पकड़कर लोहे पर रख करके हथौड़े से वार किया जाता है और किसी भी लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। और घन मोटे मोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं या लोहे के वस्तुएं होते हैं उनको काटने के लिए भी छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो छेनी का एक प्रमुख औजार होता है, क्योंकि छेनी के द्वारा ये बहुत सारे लोहे को काट पीट करके सामग्री बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है साथियों, पवारी, जिसे पवारी कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है? कोई भी औजार बनाते समय छेद करने के लिए पवारी का उपयोग किया जाता है, जैसे कुल्हाड़ी, बसुला, फावड़ा इत्यादि। साथियों, ये गोल टाइप का आपको दिख रहा है, बेलनाकार जैसे ये दिख रहा है साथियों, इसका उपयोग क्या किया जाता है, किसी भी जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में जब जो हम वो लगाते हैं, हत्था लगाते हैं, तो वो जो छेद रहता है उस छेद को बनाने के लिए ये पवारी का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं तीन प्रकार की पवारी दिख रही है, एक थोड़ा मोटा है, एक उससे थोड़ा कम और एक सबसे कम है। यानी ये साइज के बने होते हैं कि ये कुल्हाड़ी में कितना मोटा हत्था लगाना है तो उस हिसाब से, या एक बसुला में लगाना है या एक फावड़ा में लगाना है, तो सारी साइज के जो पवारियाँ होती है वो गरीय जनजाति के पास होती है और वो हिसाब से अपने पवारी का उपयोग करते हैं कि किस फावड़ा में किस पवारी का प्रयोग किया जाएगा या फिर बसुला में किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से यानी औजार के हिसाब से वो पवारी का चयन करते हैं। तो साथियों, पवारी का जो प्रयोग होता है वो छेद करने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला रेती। साथियों, ये रेती इनका एक प्रमुख औजार है। इसका प्रयोग धार निकालने, चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हंसिया, चाकू, तलवार, तीर इत्यादि। मतलब कोई भी औजार जब ये बनाते हैं, जैसे हंसिया बनाते हैं तो हंसिया बनाते हैं और इसके बाद उसमें धार देने के लिए रेती का प्रयोग करते हैं। रेती से रगड़ कर उसमें धार बनाया जाता है, चाकू में, तलवार में, तीर में, इन सारे औजार में, मतलब ये धार देने के लिए इस रेती का इस्तेमाल किया जाता है। रेती प्रमुख औजार होता है साथियों, और अगर यह जनजाति का बनाया हुआ औजार काफ़ी मजबूत और काफ़ी धारदार होता है, एक यही विशेषता होती है। चूँकि अगरिया जनजाति जो अगरिया जनजाति को जो ये कला है वो नेचुरल देन है, इनके पूर्वजों से इनको मिला हुआ है, इसलिए इनके बनाए हुए औजार कहें या फिर सामग्रियां कहें वो काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं और काफ़ी बेहतर भी होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है साथियों, जो अगला है प्रमुख औजार में, ये होता है निहाई। साथियों, निहाई एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका उपयोग क्या है? लोहे को रख कर पीटा जाता है। साथियों, कोई भी औजार जब बनाया जाता है, जैसे मैं बताया कि हथौड़े से पीटा जाता है, घन से पीटा जाता है, सनसी से पकड़ करके, तो साथियों लोहे को गर्म करके इसी निहाई पर रख करके हथौड़ा या फिर हैमर, जिसे हम घन कहते हैं, तो इस पर रख करके लोहे को आकार दिया जाता है। ये या तो जमीन पर गड़ा हो सकता है या फिर एक लकड़ी के ऊपर इसको गाड़ा जाता है, जिससे इसमें प्रकार का कोई मतलब हिलाव डुलाव ना रहे, इसको बिल्कुल एक जगह फिक्स किया जाता है और इसी के ऊपर लोहे को रख कर पीटा जाता है और लोहे को आकार दिया जाता है। तो इनका जो एक प्रमुख शस्त्र के रूप में कहें या फिर औजार के रूप में कहें तो ये निहाई होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंखी या पंखा। साथियों, ये पंखी जो होता है ये भट्टी को हवा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, भट्टी को हवा देने के लिए उपयोग किया जाता है। जब ये पंखी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पंखी का हत्था है, इसको जब घुमाया जाता है तो ये आगे देख पा रहे हैं कि ये भट्टी बनी हुई है छोटी सी, तो ये पाइप लगा होता है इस पंखी से जुड़ा हुआ और सीधे भट्टी में ये निकला हुआ होता है। और जब इस पंखी को घुमाया जाता है तो हवा जाता है भट्टी में और ये भट्टी गर्म होता है और आग तेजी के साथ जलता है और लोहा यहीं पास गर्म होता है।
साथियों ये पंखा जो है ये भट्टी में हवा देने का कार्य करता है। ये प्रमुख इनका अस्त्र कहें या फिर औजार कहें, प्रमुख औजार के रूप में माना जाता है, क्योंकि पंखी के बिना भट्टी में आग नहीं जल पाएगा। तो ये प्रमुख औजार के रूप में अगर यह जनजाति का जो प्रमुख औजार है उसमें से एक है पंखा। ठीक है साथियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमी या सुमी साथियों, इसका काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। लोहे की सामग्री में छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों लोहे की सामग्री में छेद करने के लिए अभी मैं एक और इससे पहले भी बताया, लेकिन ये सुमी या सुमी इसको यूज कहाँ किया जाता है साथियों। ये जो कुछ सामग्रियाँ बनाई जाती है उसमें छेद किया जाता है छोटे छोटे सामग्री। जैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, घर का चौखट जब बनता है तो उसमें कब्जा लगता है। वो कब्जा में जब बनाया जाता है तो उसमें कील लगाने के लिए छोटे छोटे छेद करने पड़ते हैं। तो इस सुमी के माध्यम से ही यूज किया जाता है, सुमी के माध्यम से ही उसमें छेद किया जाता है, यानी छोटे छोटे सामग्रियों में आवश्यकता अनुसार छेद बनाने के लिए सुमी औजार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों सुमी का प्रयोग छेद करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चपरास। साथियों ये क्या है, चपरास है और इसका यूज क्या है। लोहे की वस्तुओं के कोने को बनाने एवं सुधारने में प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों लोहे की वस्तुओं के कोने, जैसे हम मान लीजिए कोई फावड़ा बना रहे हैं, तो फावड़ा बना रहे हैं तो आप देख सकते होंगे, फावड़ा हो गया, गैंती हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, तो जो कोन बने होते हैं कुल्हाड़ी में, जैसे एक कोन बना होता है तो कोन में बड़े अच्छे से कटिंग बनी हुई होती है चारों तरफ से, तो उस कटिंग को देने के लिए, कोनों को सुधारने के लिए, कोना बनाने के लिए चपरास का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही उपयोगी होता है चपरास, यानी कि लोहे में लोहे के औजारों में सुंदरता आती है। तो इस प्रकार से लोहे के कोनों को सुधारने के लिए चपरास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलारी। साथियों कलारी क्या है, जैसा कि मैं आपको अभी पूर्व में एक भट्टी दिखाया था, तो उसी भट्टी में बिखरे कोयलों को एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब अपन धौकनी चलाते हैं यानी कि वो पंखी को घुमाया जाता है तो क्या होता है कि आग जलती है, और जब गर्म हो जाता है लोहा तो जब संसी से पकड़ कर निकाला जाता है तो कोयला इधर उधर बिखर जाता है। तो उस कोयले को एक जगह एकत्रित करने के लिए इस कलारी का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये थी अगरिया जनजाति के कुछ प्रमुख औजार, जिनसे अगरिया जनजाति लोहे को आकार देता है, लोहे पर काम करता है। और जैसा कि मैं बताया कि अगरिया जनजाति अपने हस्तकला में निपुण है, और इनकी जो ये कला है वो इनके पूर्वजों की देन है, यानी इनके पास नेचुरल है। इनके पास किसी प्रकार का कोई मशीनरी सामग्री नहीं होती है जिनसे ये लोहे के औजार बनाते हों या फिर दैनिक उपयोग की सामग्री बनाते हों। अगरिया जनजाति केवल अपने हस्तकला से ही बेहतरीन, चाहे वो दैनिक जीवन की सामग्री हो, घरेलू उपयोग की सामग्री हो, या फिर कोई औजार हो, अस्त्र शस्त्र हो, ये सारे कार्य वो अपने हस्तकला से ही करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतर होता है। ये अपनी संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं, और इनका प्रमुख व्यवसाय भी लोहे पर काम करना, लोहे के औजार बनाना, यही इनका प्रमुख व्यवसाय है, जिनसे इनका व्यवसाय चलता है। तो सम्मान्य साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई विचारधारा आपके मन में हो तो कमेंट कीजिएगा, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।